हम लोगों को इस इक्वेशन को बैलेंस करने को बोला है, क्योंकि क्वेश्चन में h प्लस दिया हुआ था, हम लोगों ने यहाँ h प्लस नहीं लिखा। h प्लस ये बोलता है कि मीडियम ऐसे लिखे, तो h प्लस हम लोग बाद में ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में नाइट्रोजन दो जगह रखे हुए हैं, सॉरी नाइट्रोजन इस साइड दो जगह है और इधर से एक जगह है, मींस ये नाइट्रोजन भी इसमें कन्वर्ट हुआ और ये नाइट्रोजन भी इसमें कन्वर्ट हुआ। कार्बन यहां पर रहेगा, कार्बन यहां पर रहेगा, तो इस क्वेश्चन को बैलेंस करना अगर है तो यहां पर दो जगह नाइट्रोजन है, हम तो एक और नाइट्रोजन लिखेंगे और वो NO ही रहेगा, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, इसको कॉपी किया। अब ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, तो इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फाइव आएगा, यहाँ प्लस टू, यहाँ प्लस टू और यहाँ कार्बन का प्लस फोर है। अब यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता है, देखो सी एन माइनस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन के फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के फाइव, तो मैं नाइट्रोजन के फाइव बनाए, कार्बन पे सिर्फ अभी दो बनाए। लेट्स सी जो माइनस है वो कार्बन पे आया, तो कार्बन के कितने हो जाएंगे, दो थे सॉरी चार होते हैं, एक और आपने कार्बन को लिया तो कितने होंगे, पांच हो गए, तो एक दो मैंने बनाया, एक दो तीन, तो जो एक्स्ट्रा माइनस था वो मैंने कार्बन को दिया। अब देखो सबका ऑक्टेट सेटिस्फाई किया, तो यहां से आपको स्ट्रक्चर से दिख रहा है कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू होगा और नाइट्रोजन का माइनस थ्री। अब हम लोग एटम कनेक्ट करें, तो इस वाले नाइट्रोजन को मैं इससे कनेक्ट कर देता हूं और इस वाले नाइट्रोजन को मैं इससे कनेक्ट करता हूं और इस वाले कार्बन को मैं इस कार्बन से कनेक्ट करता हूं, तो मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और इसको यहां पहुंचा, तो नाउ मैं सी एन माइनस को किससे कनेक्ट किया हूं, एनओ से और सीओ टू से, ठीक। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना, प्लस फाइव से प्लस, बहुत सिंपल है, थ्री इलेक्ट्रॉन के, प्लस फाइव से प्लस टू थ्री इलेक्ट्रॉन के। अब नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन यहां से माइनस थ्री से चला वहां प्लस टू में पहुंचा, तो माइनस थ्री से प्लस टू फाइव इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, माइनस थ्री से प्लस टू की तरफ फाइव इलेक्ट्रॉन। कार्बन प्लस टू से प्लस फोर, टू इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। अब ये एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन इसके अंदर जो था वो फाइव इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसके अंदर जो कार्बन है वो टू इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो हम लोग बोल सकते सी एन माइनस सेवन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सेवन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा फाइव इसके और टू इसके। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे यार, इसको हम लोग थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग सेवन से मल्टीप्लाई, तो यहाँ सेवन आने वाला है और यहाँ भी सेवन आएगा, इसको थ्री से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ थ्री पुट कर देंगे, यहाँ भी थ्री आएगा और यहाँ भी थ्री आएगा। आप इसको फिर से थ्री सी एन माइनस प्लस सेवन एनओ थ्री माइनस गिव्स यू, अब दोनों को ऐड कर देते हैं, अब अलग अलग रखने का कोई यूटिलिटी नहीं, तो सेवन प्लस थ्री टेन एनओ आया प्लस थ्री सीओ टू आया। अब
चार्ज वैलेंस, तो यहाँ 3 नेगेटिव और यहाँ 7 नेगेटिव, तो 10 नेगेटिव डिवाइड, इधर कोई भी चार्ज नहीं, तो वो न्यूट्रल है, तो इसको भी न्यूट्रल करते हैं। कैसे करेंगे? एसिडिक मीडियम में एच प्लस बुलाएंगे, तो यहाँ अगर 10 एच प्लस में लगा दूंगा तो ये भी न्यूट्रल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड भी कंप्लीटली न्यूट्रल। अब ऑक्सीजन बैलेंसिंग करेंगे, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 7321 हो 21 ऑक्सीजन, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 6, कितने हो गए 16 ऑक्सीजन, तो इधर 5 ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, तो हम लोग इधर 5 वाटर मॉलिक्यूल बुला लेंगे, तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। देखिए 10 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन, सो दिस इज बैलेंस इक्वेशन और द गिवन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में हम लोगों को कोएफिशिएंट पूछा है, तो कोएफिशिएंट इजीली पता कर सकते, इसका 10 होगा, इसका 7 होगा, इसका 3। क्वेश्चन में इसको ए बोला है, इसको बी बोला है, और ये ए प्लस बी है, ये ए है, हो गया। तो क्वेश्चन में जो पूछा है ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 7, क्वेश्चन ये और ये लाना।